हे दोस्तों, फिल्म टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहली और बड़ी खबर ये है कि सलमान खान की आने वाली फिल्म सिकंदर में सत्यराज को साइन किया गया है। भाई सत्यराज यानी कि कटप्पा को तो आप सब जानते ही होंगे। वैसे बाहुबली के अलावा भी सत्यराज ने कई बड़ी फिल्मों में काम किया है, तो अब सत्यराज सिकंदर फिल्म में मैन विलन के रोल में नजर आएंगे। देखा जाए तो सिकंदर फिल्म भी जवान की तरह बन रही है, क्योंकि जवान की तरह सिकंदर फिल्म में भी साउथ के काफी सारे कलाकार नजर आएंगे। जवान की तरह सिकंदर फिल्म को भी साउथ के एक जाने माने डायरेक्टर AR मुर्गादोस डायरेक्ट कर रहे हैं। रश्मिका मंदाना को लीड एक्ट्रेस के रोल में साइन किया गया है, वहीं अब सत्यराज भी मैन विलन के रोल में नजर आएंगे। तो काफी कुछ सेम है, बाकी देखना होगा कि सिकंदर फिल्म की कहानी कैसी होती है। अच्छी ही होगी, क्योंकि AR मुर्गादोस ने सरकार, कद थी, हॉलीडे और गजनी जैसी नामी फिल्मों को डायरेक्ट किया है, और यही कारण है कि लोगों को सिकंदर फिल्म से काफी उम्मीद है। तो क्या कहना चाहेंगे आप सलमान खान के आने वाली फिल्म सिकंदर के बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताएं। ध्रुवा शारजा की मच अवेटेड फिल्म मार्टिन की रिलीज डेट कन्फर्म हो गई है। मार्टिन का टीजर एक साल पहले आया था और तभी से लोग इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सच कहूं तो मुझे मार्टिन का टीजर उतना कुछ खास पसंद नहीं आया था, पर टीजर की वजह से फिल्म की हाइप काफी ज्यादा है। तो देखना होगा कि मार्टिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसी जाती है। उम्मीद है कि फिल्म अच्छी होगी, क्योंकि ये फिल्म एक साल से ज्यादा डिले हुई है, और ऐसा लगता है कि फिल्म के मेकर्स ने मार्टिन फिल्म पर काफी काम किया है। यहाँ पर मार्टिन फिल्म का एक नया पोस्टर रिलीज किया गया है, जिसमें ध्रुवा शारजा टैंक पर खड़े हुए हैं। ये एक पैन इंडिया फिल्म है जो 11 अक्टूबर को कन्नड़ के साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी में भी रिलीज होगी। और उससे भी ज्यादा डेंजरस ये है कि इंडियन। एक बुरी खबर ये है कि अभी थंगलान फिल्म में काफी टाइम लगेगा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि विक्रम की ये फिल्म पहले अप्रैल के महीने में आने वाली थी, लेकिन इलेक्शन की वजह से फिल्म को पोस्टपोन कर दिया गया था और कहा गया था कि अब ये फिल्म जून के महीने में रिलीज होगी। लेकिन खबरों की माने तो अभी थंगलान फिल्म में और टाइम लगेगा और अभी ये फिल्म जुलाई के एंड तक रिलीज होगी। ऑफिशियल नहीं है तो देखना होगा कि भाई थंगलान फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट क्या होती है। सोचने वाली बात है कि विक्रम की दो फिल्में कंप्लीट हैं, लेकिन अभी किसी भी फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस नहीं की गई है। खैर, जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आपको आगे फिल्मी टॉक्स में बताते रहेंगे। नंदमुरी कल्याण राम की एक नई फिल्म अनाउंस की गई है, जिसे प्रदीप चिलकोरी डायरेक्ट करेंगे। टाइटल अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कल्याण राम की 21वीं फिल्म होगी, जिसमें नंदमुरी कल्याण राम लीड रोल में नजर आएंगे। उसके अलावा विजय शांति, सुहेल खान, साई मंजरेकर और श्रीकांत अहम भूमिका में नजर आएंगे। सुहेल खान का नाम देखकर लग रहा है कि शायद वो इस फिल्म में विलन का रोल कर सकते हैं। ऑफिशियल नहीं है तो देखते हैं कल्याण राम की इस फिल्म से जुड़ी अगली ऑफिशियल अपडेट कब तक आती है। फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो गई है और कहा जा रहा है कि ये फिल्म समर 2025 में रिलीज होगी। एक और बड़ी खबर ये है कि नाइफ आउट 3 का टाइटल कन्फर्म हो गया है। हॉलीवुड की मिस्ट्री थ्रिलर फ्रेंचाइज नाइफ आउट के पिछले दोनों पार्ट को तो आप सबने देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो भाई आपको नाइफ आउट के पिछले दोनों पार्ट जरूर देखने चाहिए। नाइफ आउट 3 का टाइटल वेक अप डेड मैन होगा, जिसमें डैनियल क्रेग एक बार फिर से बेनॉइट बेलैंक के रोल में नजर आएंगे। उसके अलावा एंड्रयू स्कॉट और जॉस ओकोनर अहम भूमिका में नजर आएंगे। रिलीज डेट अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन कहा गया है कि ये फिल्म 2025 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। तो देखते हैं इस बार नाइफ आउट की कहानी कैसी होती है। नेटफ्लिक्स की सुपर हीरो फैंटेसी ड्रामा सीरीज दी अम्ब्रेला एकेडमी सीजन 4 की रिलीज डेट कन्फर्म हो गई है। दी अम्ब्रेला एकेडमी का पहला सीजन 2019 में, दूसरा सीजन 2020 में और तीसरा सीजन 2022 में रिलीज हुआ था, जिसमें हमें 10-10 एपिसोड देखने को मिले थे। पर सीजन 4 में सिर्फ 6 एपिसोड होंगे और ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाएगी। जी हाँ, सीजन 4 इस फैंटेसी ड्रामा सीरीज का आखिरी सीजन होगा और इसके बाद ये सीरीज पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। कहा गया है कि द अम्ब्रेला एकेडमी सीजन 4 का ट्रेलर आज रात में रिलीज होगा। पिछले तीनों सीजन काफी अच्छे गए हैं, तो देखते हैं ये फाइनल सीजन कैसा होता है। तो द अम्ब्रेला एकेडमी सीजन 4 8 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। अगली बड़ी खबर ये है कि फास्ट 11 के सेट से विन डीजल का एक नया लुक सामने आया है। यहाँ पर आप विन डीजल को उनकी कार के साथ रेस के मैदान में देख सकते हैं। फास्ट 11 की शूटिंग इन दिनों काफी जोरों में चल रही है, जिसे लुइस रेटेरे डायरेक्ट कर रहे हैं। फास्ट एंड फ्यूरियस की पिछली फिल्मों की तरह इस फिल्म में भी विन डीजल के साथ और भी कई बड़े कलाकार अहम भूमिका में नजर आएंगे। पर अभी इस फिल्म में काफी टाइम है, क्योंकि कहा गया है कि ये फिल्म समर 2026 में रिलीज होगी। तो देखते हैं फास्ट 11 की ऑफिशियल रिलीज डेट क्या होती है। अप्रैल के महीने में रिलीज हुई जेंडा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म चैलेंजर्स को प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया है। प्राइम वीडियो पर ये फिल्म हिंदी डब में आ गई है, लेकिन अभी इंडियन सर्वर पर नहीं आई है।
बल्कि अभी आप इस फिल्म को हिंदी, तमिल और तेलुगु में यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के सर्वर पर बाय और रेंट पर देख सकते हैं। इंडियन सर्वर को लेकर जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आपको आगे फिल्मी टॉक्स में बताते रहेंगे। और आप सबकी फेवरेट सीरीज पंचायत सीजन 3 भी प्राइम वीडियो पर आ गई है। सीजन 1 और सीजन 2 की तरह सीजन 3 में भी आपको टोटल 8 एपिसोड देखने को मिलेंगे। सीजन 3 का लोग काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे, तो उम्मीद है कि आपने भी पंचायत सीजन 3 को देख लिया होगा। अगर देख लिया है तो पंचायत सीजन 3 आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। पंचायत सीजन 3 के बाद अब प्राइम वीडियो मिर्जापुर सीजन 3 की तैयारी में लग गया है। मिर्जापुर सीजन 3 से जुड़े कुछ पोस्टर रिलीज किए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि बहुत जल्द हमें मिर्जापुर सीजन 3 देखने को मिलेगा। तो कौन कौन एक्साइटेड है मिर्जापुर सीजन 3 को देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।